तो आज मैं बताने जा रहा हूँ लेजी पे का पे लेटर के बारे में। अगर आप लोग लेजी पे का पे लेटर यूज करके कोई भी प्रोडक्ट लिए हो या फिर खाना ऑर्डर किए हो या और कुछ भी किए हो तो आप लोग कैसे पेमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोग लेजी पे का पे लेटर अमाउंट जो है वो पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो दो ऑप्शन मिलता है, होम और एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप लोग एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अवेलेबल क्रेडिट जो है 195 रुपीज़ है। टोटल जो क्रेडिट मिला था वो है 500 रुपीज़ मेरे को मिला था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 305 रुपीज़, टोटल ड्यू अमाउंट 0, नेक्स्ट ड्यू जो है जून 3 को ड्यू अमाउंट है, पेमेंट करना है 305 रुपीज़, ठीक है। और जो मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो है स्विगी में, ठीक है। तो अगर आप लोग पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पे नाउ एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें एक फ़ायदा है, आप लोग कोई भी अमाउंट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फुल अमाउंट पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फुल किया हूँ। और अगर आप लोग हाफ भी पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग हाफ भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 305 रुपीज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग तीन ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को डेबिट कार्ड का डिटेल एंटर करना है, यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, फिर CVV नंबर एंटर करना होगा और फिर पे बटन पे क्लिक करना है। तो मैं ये डिटेल भरने जा रहा हूँ और फिर पे बटन पे क्लिक करना है और OTP एंटर करना है। और आप लोग देख सकते हो 305 रुपीज़ जो है वो पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अवेलेबल क्रेडिट जो है 500 रुपये मेरा क्रेडिट हो चुका है, ठीक। तो इस तरह आप लोग लेजी पे का पे लेटर में पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।